नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे कटिहार की खबर के साथ। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत जादेपुर विदयपुर के मदरसा अशरफिया कुतुबुल उलूम में मुस्लिम बच्चों के साथ साथ हिंदू समाज के बच्चे भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी मदरसे में लोकल बच्चे कम ही शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जबकि दूर दराज के बच्चों से मोटी रकम लेकर प्राइवेट हॉस्टल में रखकर उन्हें शिक्षा दी जा रही है। मदरसा अशरफिया कुतुबुल उलूम के हेड मौलवी मोहम्मद नवाज आलम ने बताया कि मदरसा बोर्ड के तरफ से जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उसे वो मानने के लिए तैयार है, मगर सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में सरकार सभी प्रकार की सहूलियत दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। कदम दुरुस्त है, लेकिन सब सारी सहूलियतें जो स्कूल में मैसर है वो दी जाती हैं। मसलन पोशाक राशि, पोशाक हो गया, उसके अलावा छात्रवृत्ति, किताब, उनके अलावा उनके खेलने के सामान वगैरह वगैरह जो स्कूलों में सारी चीज़ें दी जाती है, वो चीज़ें भी अगर चेयरमैन साहब मदरसे में मैसर करा दें तो बच्चे यकीनन मदरसे में स्कूल से कम नहीं रहेंगे, यहाँ जहाँ तक ज़्यादा ही बच्चे रहेंगे। हम लोगों की मांग ये है कि सारी सहूलियतें जो स्कूल में दी जाती हैं वो चीज़ें अगर मदरसे में दें तो मदरसे का भी भलाई होगा, और बच्चे जो मजबूर हैं, जो दूर दराज पढ़ने नहीं जा सकते हैं, वो यहीं पढ़े, आला तालीम हासिल करें और वो अपना मुल्क का नाम रोशन करें। कहाँ गढ़ुआ? कलदासपुर। कब से पढ़ रहे हो यहाँ? दो साल। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। मतलब सरकारी जो है, सरकारी ये नहीं मिल रहा है, मतलब फायदा इसमें जैसे पोशाक राशि हुआ, उसके बाद छात्रवृत्ति सब नहीं मिलने के वजह से जो चेयरमैन साहब ऐलान किए हैं ड्रेस कोड के लिए, तो पोशाक राशि आएगा तब ना ड्रेस कोड करेगा। मदरसा तो आप जानते ही है कि गरीबी कितना गरीबी से गुजर रहा है, इसमें गरीब बच्चे ही पढ़ने आते हैं ज़्यादातर, अमीर के बच्चे तो उतने आते नहीं हैं, उसको किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं। मदरसा बोर्ड से अब तक किताब नहीं मुहैया किया गया कभी, जो किताब खरीद के देना पड़ता है नहीं होता है, अपने तनख्वाह से हम लोग खरीद के देते हैं बच्चे को किताब पढ़ने के लिए, ताकि बच्चे इस लालच में पढ़ने आए, अपने पॉकेट से किताब खरीद के देते हैं, कायदा आम पढ़ा वगैरह जो होता है। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? वन क्लास में। और क्या क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? सब कुछ ठीक ठाक है। उधर बिहार शरीफ के सदर अस्पताल परिसर स्थित एएनएम हॉस्टल की छात्राओं को एक वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित कर सभी प्रशिक्षु छात्राओं को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सदर अस्पताल के ACMO डॉक्टर अवधेश प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने छात्राओं को शपथ दिलाते हुए कहा कि अब से ये छात्राएं लोगों की सेवा करेंगी। आज जो है हमारी प्रथम वर्ष छात्राओं का शपथ ग्रहण है। इस शपथ ग्रहण के बाद वो इतना योग्य हो चुकी है कि आप रोगियों की देखभाल उचित तरीके से कर सके। बहुत खुशी है कि आज हम लोग शपथ ग्रहण करने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग रोगियों की सेवा करने के लिए प्रथम चरण प्राप्त कर लेंगे। सासाराम जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी अब भोजपुरी सिनेमा का क्रेज देखने को मिल रहा है। भारद्वाज फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म बिरादरी का सासाराम में मुहूर्त किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद सहित अन्य कलाकार इस मुहूर्त कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर फिल्म के अभिनेता अराफात शेख और अभिनेत्री शिखा स्वरूप भी मौजूद रही। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म की पूरी शूटिंग सासाराम के आसपास के लोकेशन पर होगी और स्थानीय कलाकारों से पूरी तरह से सहयोग लिया जाएगा। फिल्म के कलाकारों ने बताया कि यह एक पारिवारिक ड्रामा है जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रतिघात किया गया है। हिंदी मूवी है और फैमिली मूवी है, आप फैमिली के साथ देख सकते हो। बेतिया जिले के नरकटियागंज शहर के सड़कों पर एक तस्वीर ने कई चुपते सवाल उठा दिए हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए और फैसला करिए कि आखिर दोषी कौन है, बाइक के बीच में बैठा कैदी या उसे बाइक पर बैठा कर ले जा रहे वर्दी पहने पुलिस वाले। एक तो बाइक पर वर्दी पहने पुलिस वालों की ट्रिपल लोडिंग, ऊपर से हथकड़ी लगा आरोपी। दोषी कौन, वर्दी वाले या हथकड़ी वाला? नरकटियागंज शहर में कई स्थानों पर रोजाना पुलिस वालों को ट्रैफिक और ओवरलोडिंग कानून की अवहेलना पर जुर्माना वसूलते देखा जाता है, लेकिन अब इन पुलिस वालों को कौन दंडित करेगा?
बीडीआर के मंगुराहा क्षेत्र से निकलकर करीब 10 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके में तेंदुआ ने हमला बोल दिया है। कामता राजपुर गांव में तेंदुए के हमले से दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। गांव के खलिहान में टहलने निकले दो युवकों पर तेंदुआ ने हमला किया है, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हल्ला सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए तो भीड़ देखकर तेंदुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि आसपास गन्ना के खेत में छुपे होने की तेंदुआ की आशंका से लोगों में दहशत व्याप्त है। दो लोगों को संभावित तरीके से बाघ ने अटैक किया है। ठीक है, बच्चे अब सही हैं, इलाज के बाद सब सही है, स्टेबल है, कोई खास दिक्कत नहीं है। जहाँ तहाँ इंजुरी है सब ठीक है। दो आदमी हम लोग घर से आ रहे थे घूमने के लिए, तो रास्ते में जाने पर वो हमारे पर काटने के लिए पड़ गया, तो एक भाग गया और हमको काटने लगा। तो हम कैसे भी काटने लगा आपको बाघ, तो कैसे भी जान बचा कर हम भाग गए वहाँ से। बिहार में चलाए जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नौ प्रयोग उन्नयन योजना, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, को लेकर नरकटियागंज के रेलवे उच्च विद्यालय के प्रांगण में उन्नयन स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया। बता दें कि स्मार्ट क्लास से शिक्षा का ग्राफ बढ़ेगा। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय पटना के महानिरीक्षक संजय कुमार निरीक्षण के दौरान गया मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने बाराचट्टी कंपनी में स्मॉल एक्शन टीम का निरीक्षण किया और इसके साथ ही उन्होंने नक्सल विरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उनकी भविष्य की योजना के बारे में भी जानकारी ले गतिविधियों का जायजा लिया। मैं अभी अपने गया प्रक्षेत्र में जो भी हमारी डिप्लॉयमेंट है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए और जितने भी हमारी कंपनीज जहाँ जहाँ अलग अलग लोकेशंस में हैं, उन सबका बीच बीच में मैं निरीक्षण करता रहता हूँ, अपने जवानों का हौसला बढ़ाता रहता हूँ। और हमारी जो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या जो फायर पावर हमारा है, उसको और कितना बढ़िया तरीके से हम आगे ले जाएँ, इंटरनेशनल ऑपरेशन उसको यूटिलाइज कर सकें, उसका एक प्रॉपर रिव्यू करता हूँ। उसके अलावा बटालियन हमारा हेडक्वार्टर है, अभी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में आपने देखा होगा यहाँ चल रहा है, इसका भी एक एनुअल इंस्पेक्शन हमारा होता है। एनुअल इंस्पेक्शन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी हमारी है उसको हम कैसे और इन्हांस करें, अगर हम में कुछ कमी अगर रह गई है तो उसको ठीक कैसे करें, या हमारे जो जवान हैं ऑफिसर्स हैं उनके कोई ग्रीवियंसेज वगैरह हैं तो उसको हम सुनते हैं और तत्काल उसको ठीक करने का हम कोशिश करते हैं। बात करें अररिया की, तो फारबिसगंज भजनपुर के समीप हाईवे पर अज्ञात अपराधियों ने दो टैंकर चालकों से लूट की घटना को अंजाम दिया है। वही अपराधियों के लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने चालकों की जमकर धुनाई कर दी। मार पिटाई हुआ, हम लोग भी मतलब उसको पकड़ने की कोशिश में थे, हमसे नहीं पकड़ाया, तो हम लोग भी वहाँ से गाड़ी लेके, फिर जब इनके सर में चोट लगने के बाद इनको गाड़ी में बिठाए और लेके जाने लगे, तो आगे जब ये फोर लाइन पे चढ़े तब प्रशासन का गाड़ी आया और हम लोगों ने उसको रोक के वो लोग भी रुक के फिर पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, सब लोग पूछ के उसके बाद वो लोग बाद में हमको हॉस्पिटल भी लेके गया। एक आदमी आया पहले, उसको पकड़ा, फिर दूसरे को बुलाया, उसने पिस्तौल रखा हुआ था, एकदम जहाँ पिस्तौल रखा बोला पैसा निकाल, पैसा जब नहीं दिया मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद इस आदमी को बहुत मारा, फिर आके मैंने पकड़ा उसको, तो मेरे को जहाँ मार दिया। मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन बिहार में इस योजना की हवा निकालने में अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक कोई पीछे नहीं है। योजना में सबसे महत्वपूर्ण हर घर नल का जल योजना है, लेकिन रोहतास में इस योजना में 44 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने पंचायती राज विभाग को कार्यवाही के लिए अनुशंसा किया है, जिसमें 20 मुखिया, 20 पंचायत सचिव और वार्ड क्रियान्वयन समिति को दोषी पाया गया है। है यही है कि पानी कभी आ रहा है और कभी कभी नहीं आ रहा, पता नहीं चलता है कि पानी कब आया कब नहीं आया, कभी कभी वो सही रहता है, कहीं कहीं बैठा है ना, कहीं कहीं नहीं बैठा है। रोहतास जिले के 20 पंचायतों के मुखिया ने अपने किए गए कार्यों का ब्यौरा सरकार को नहीं सौंपा है। जिला प्रशासन द्वारा
कई बार नोटिस भेजने के बावजूद जब कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र समाहित नहीं की गई, तो अंततः जिला अधिकारी ने तमाम दोषी मुखियाओं पर कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग को अनुशंसा कर दिया है। डीएम ने अपनी अनुशंसा में सभी मुखिया पर FIR कर उसे पदच्युत करने की सिफारिश की है। विभिन्न प्रकार की उनके द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी, लगातार उनको कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा जा रहा था, फिर भी उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, तो संबंधित जो प्रखंड विकास पदाधिकारी उनके माध्यम से जांच करा के जो फलाफल आया है उसमें अनियमितता का स्तर पाया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई का अनुशंसा किया जाए तथा लोक में उनके ऊपर जो संगत नियम है उनके तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई। पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत यह अनुशंसा की गई है। इतना ही नहीं, सभी मुखिया पर नीलाम वाद दायर करने और गबन की राशि वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं। पिछले एक महीने से जिला अधिकारी ने कई बार संबंधित मुखियाओं को स्पष्टीकरण भेजा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया। साथ ही नल जल योजना में कराए गए कार्यों की MB भी नहीं भरी गई। ऐसे में उन तमाम मुखिया, पंचायत सचिव और वार्ड क्रियान्वयन समिति पर कार्रवाई होना तय है। वहीं दूसरी ओर जानकार कहते हैं कि आरोपी मुखिया का इतना ही दोष है कि उन लोगों ने कार्य तो कराया लेकिन कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑडिट के लिए जमा नहीं किया। तकनीकी पक्ष क्या है कि राज्य मद से जो एरिया पंचायत थे उसमें दो मद की राशि आई थी, नली गली और नल जल के लिए। सरकार के द्वारा बार बार उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जा रही थी। जब तक अंकेक्षण नहीं होता तब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र देना संभव प्रतीत नहीं हो रहा था। कई बार उनको बुलाया गया, 3-4 बार मुखिया और पंचायत सचिव के साथ मीटिंग भी की गई, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। वीडियो से भी बात की गई, संबंधित पंचायत सचिव को भी मौखिक रूप से टेलीफोनिक रूप से हम लोगों ने निवेदन किया कि जल्दी आके करा ले, लेकिन किसी ने इस पर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। DPRO साहब ने DDC के माध्यम से भी पत्र दिए गए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में DPRO के पहल पर पंचायती राज जो अधिनियम है, जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए CM खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर भी इतनी बड़ी योजना में गड़बड़ी कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है। सासाराम से रंजन की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड के शीतलपट्टी गांव के 3 बच्चों के पानी में डूबने की घटना का बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। जी हां, यह मामला पूर्णतः आपराधिक घटना है जो बच्चे की मां रीना देवी द्वारा अंजाम दिया गया। रीना देवी का उसके पति के साथ बहस हुआ, जिसके बाद रीना देवी आवेश में आकर अपने 4 बच्चों के साथ बागमती के तट में अपने 4 बच्चों को नदी में धक्का दिया और फिर स्वयं भी वो नदी में कूद गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से रीना देवी और उसकी 7 वर्षीय पुत्री राधा कुमारी को बचा लिया गया, जबकि 3 बच्चों की मौत हो गई। ऐसा बात की जानकारी जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने प्रेस वार्ता कर दी। उधर नरकटियागंज के सतवरिया गांव के इकबाल प्रसाद ने अपने ही गांव के लोगों के साथ खुद को एजेंट बताकर करीब 50 लाख रुपए की ठगी की है। एजेंट के नाम पर उसने लोगों से पैसे जमा कराए, लेकिन पैसे देने के वक्त वो रफू चक्कर हो गया। वहीं अब इकबाल प्रसाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि रुपए जमा करने वाले लगभग 100 की संख्या में लोगों ने शिकारपुर थाने में आकर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। प्रतिदिन ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड में हम भरते थे, 6,000 रुपया महीना हुआ हमारा, राशि उसमें 80,000 रुपया तक है, अभी तक नहीं मिला। हम लोग बहन का शादी करने के लिए उसमें दहेज का पैसा जमा किए थे, अभी तक नहीं दिए। वो 3 बरस हो गया, अभी तक हम लोग चूना लगा के रखे हैं, फंसा के रखे हैं, हम लोग को पैसे नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं मिलेगा तो देंगे, और हम लोग 3 बरस इंतजार कर रहे हैं। इकबाल शाह अभी तक हमको 3 बरस से बता रहे हैं देंगे, अभी तक 3 बरस हो गया नहीं दिए। आज पकड़ा गए हैं तो उनको 6 बरस के भरे हो दूर भरे के पैसा दे दिल कॉलेज बाहर हो चोरे 120 रुपया भर ले 6 बरस।
रेड लाइट एरिया को बंद कराने वाले समाज सुधार कमेटी के सिस्टम मंडल बेतिया एसडीएम नगर एवं महिला थाना अध्यक्ष से मिलकर सैकड़ों वर्ष से चल रहे देह व्यापार के कार्यों से अवगत कराते हुए इसे बंद कराने के फैसले से अवगत कराया है। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार सरकारी सहयोग के लिए आग्रह भी किया है। वही तीनों पदाधिकारियों ने कमेटी को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। हम लोग जो द्वारा बैठक करके जो कमेटी बनाई गई जिसका नाम समाज सेवा कमेटी है, उसका ये उद्देश्य रहा कि इस रेड लाइट एरिया को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। और इस उद्देश्य से हम लोगों ने जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी से मुलाकात की, जिसमें एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, महिला थाना प्रभारी से हमारी मुलाकात हुई, हमारे नगर थाना प्रभारी से हमारी मुलाकात हुई। और इन तीनों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है हम लोगों को इसको बंद कराने में, तो वो लोग हमारा पूरा पूर्ण सहयोग करेंगे ताकि हम इसको आसानी से बंद करा सकें। इसके लिए हम प्रशासन का बहुत शुक्रगुजार हैं। और प्रशासन ने हर तरीके से हमको कहा है कि अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं। जिस तरह से भी होगा, इस कुरीति को, 100 साल से चल रहे इस कोड़ को हमेशा हमेशा के लिए। नेहरू युवा केंद्र समस्तीपुर के तत्वाधान में अनुमंडल के डी बसड़िया के ब्रह्म स्थान और लोहिया भवन को स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें दलसिंहसराय प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पंकज कुमार शाह सहित कई ग्रामीण युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर पूर्वी चंपारण के बाढ़ पीड़ित अब प्रशासन की कार्यशैली से उपकर सड़क पर उतर गए हैं और सड़क जाम कर बवाल मचा रहे हैं। तस्वीर मोतिहारी के ढाका की है, जहां ढाका प्रखंड कार्यालय के सामने मोतिहारी ढाका पथ को जाम कर बाढ़ पीड़ित हंगामा कर रहे हैं। इन बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि ढाका अंचलाधिकारी अशोक कुमार बाढ़ में डूबे इलाके को बाढ़ प्रभावित घोषित करने के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं। आकाशियों के पक्षपात रवैया के चलते पूरा प्रखंड बाढ़ से प्रभावित है, उसके बावजूद भी एक जगह ने पोलोथीन बटा, रात में बारिश में लोग घर से बाहर रहने पर मजबूर है। इसके द्वारा अलाल दलाल को सिर्फ रखा गया है और सब जगह एक सब जगह कह रहा है रसोईया का व्यवस्था कराया गया, लेकिन ढाका में एक जगह दो जगह छोड़ के कहीं नहीं कोई रसोईया का व्यवस्था कराया गया, न कोई खाना का व्यवस्था कराया। बात करें मधुबनी की, तो मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। बता दें कि मृतक बाढ़ के पानी को अन्य तीन युवक के साथ पार कर रहा था, जहां तीनों युवक अधिक प्रेशर रहने के कारण डूबने लगे, वहीं उन तीनों को बचाने में मृतक डूब गया था। एसडीएम मुकेश रंजन ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की जाएगी। तीन आदमी तीन वो दोस्त के साथ जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। इस लड़का का नाम क्या है? इस लड़का के श्रवण कुमार नाम है। पिता का नाम? पिता का नाम राम बाबू शाह। उचेठे घर है? उचेठे घर। कहाँ ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये कॉलेज के पूरब साइड वो लचका है ना, वो लचका पर पानी है, वो क्रॉस कर रहा था। अच्छा। उसी समय ये तीनों लड़का चारों लड़का डूबने लगा, उस तीनों को बचाने के लिए ये खुद अपने उसमें डूब गया। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।